आज हम उस संत का त्यौहार मनाते हैं जिन्हें उनकी उदारता एवं विनम्रता के कारण जाना जाता है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 13 मार्च को संत यूफ्रेसिया का पर्व संपूर्ण कलीसिया मनाती है। संत यूफ्रेसिया कॉन्स्टेंटाइनोपल के एक सीनेटर एंटीगनोस की पुत्री थी। संत यूफ्रेसिया के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता एंटीगनोस की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा थियोड्यूस ने उन्हें एवं उनकी मां को अपने संरक्षण में रख लिया। जब संत यूफ्रेसिया 5 वर्ष की थी, उस समय राजा थियोड्यूस ने उनकी शादी करने का निर्णय किया। तब उनकी मां ने संत यूफ्रेसिया को लेकर वह मिस्र भाग गई। वहां पर उन्होंने धर्म बहनों से निवेदन किया कि वह उन्हें शरण दे और वे उन धर्म बहनों के यहाँ रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। जब संत यूफ्रेसिया 7 वर्ष की हुई, तब उन्होंने प्रभु यीशु में अपनी अगाध भक्ति एवं प्रभु के कार्यों को करने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वह अब सदा के लिए धर्म बहन बनकर इसी संस्था में रहना चाहती है। तब उनकी माँ ने हिचकिचाते हुए उन्हें आदेश दिया कि वह रह सकती है। उस समय उन धर्म बहनों में सबसे बड़ी धर्म बहन ने कहा कि यह ईश्वर की कृपा है जो उन्हें प्राप्त हुई है, ईश्वर का अनुग्रह है जो उन पर हमेशा बना रहता है। जब संत यूफ्रेसिया को धर्म बहन के वस्त्र दिए गए, उस समय उनकी माँ ने उनसे पूछा कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तब संत यूफ्रेसिया ने अपनी आँखों से आंसू गिराते हुए कहे कि यह जो वस्त्र उन्होंने धारण किया है, यह वह वस्त्र है जिससे वह प्रभु यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकती है, उन्हें अपना सकती है और प्रेम से वह लोगों के बीच उन्हें ले जा सकती है। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजा अरुद्युस से कहा कि वह अपनी पैतृक संपत्ति को दासों के बीच में एवं गरीबों के बीच में बांटना चाहती है। राजा अरुद्युस ने उन्हें आज्ञा दी कि वह अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार लोगों के बीच में बांट सकती है और उन्होंने लोगों के बीच में अपनी सारी संपत्ति बांट दी। वह अपना जीवन कठिन नियमों पर बिताया करती थी एवं लोगों की भलाई एवं सुरक्षा के लिए अपने जीवन को उनके लिए वह समर्पित कर चुकी थी, जिसके कारण राजा को यह सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने संत यूफ्रेसिया को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया। बंदी गृह में उनकी मृत्यु लगभग 420 में हुई। उनके जीवन एवं कार्यों के कारण ही आज भी लोग उन्हें आदरपूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं ताकि वह प्रभु के सामने स्तुति करते हुए लोगों की प्रार्थना को समर्पित कर सके। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी सेवा भाव से लोगों के लिए समर्पित जीवन जिए एवं प्रभु के कार्यों को करते हुए अपने जीवन को समर्पित करें।